हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है या गर्म हो रहा है या किसी ऐप को आप ओपन करते हैं तो मोबाइल हैंग हो जाता है, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारा वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। इसके लिए मैं आपको टोटल 4 स्टेप बताऊंगा बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए हुए। तो सबसे पहला हमारा स्टेप जो है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेनी है। अब जहाँ नीचे आ जाएंगे, स्टोरेज जो है इसी को क्लिक करना है। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेटिंग हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेंगे 10-5 सेकंड के लिए। इसमें यहाँ ये दिखाई दे रहा है कैच डाटा, इसको यहाँ क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ ये कैच डाटा जो है 84.82 MB, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। अगर ये कैच डाटा जो है 1 GB तक पहुँच जाएगा तो आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग होगा, इसको 15 से 20 दिन में एक बार क्लियर कर देना चाहिए। अब ओके करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे और ये कैच डाटा जो है 0 हो जाएगा। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है। फिर इसमें स्टोरेज डिवाइस में, यहाँ आपका जैसे SD कार्ड है स्टोरेज, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ ऊपर कोने पर ये शो हिडन फाइल को ओके कर लेना है। अब हमारे यहाँ ये जो फोल्डर बने हुए हैं, ये भी मतलब के फोल्डर बन गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इनकी वजह से मोबाइल काफ़ी हैंग होता है। तो इन्हें यहाँ से सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। केवल हमें वो ही फोल्डर रखने हैं जो हमारे काम के हैं। जैसे ये फोल्डर हैं बिना काम के, इन्हें हमें डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको तीसरे स्टेप में अपने सेटिंग में दोबारा से जाना है। स्टोरेज में जाएंगे, अब हमारे मोबाइल में इंटरनल मेमोरी जो है 16 GB है और इसमें अवेलेबल है 2.4 GB, बस 3 GB करीब खाली है। तो हमें अपने मोबाइल में इतनी GB मेमोरी खाली रखनी है, लगभग चौथा हिस्सा। जैसे आपकी मतलब मोबाइल में 20 GB मेमोरी है तो 5 GB खाली रखनी है, अगर उससे ज़्यादा भरोगे तो मोबाइल हैंग होगा। और नीचे हमारे SD कार्ड जो है हमारा 32 GB का है, तो इसमें आप 24 GB तक रख सकते हैं और चौथा हिस्सा खाली, अगर पूरी भर दोगे तो मोबाइल हैंग होगा। अगर आपके मोबाइल में 2 GB रैम है तो इसको केवल आपको 1 GB ही यूज करना है और 1 GB खाली रखना है। अगर पूरी रैम भर दोगे तो ये मोबाइल हैंग होगा। ये रैम जो हमारी, जितने ऐप ज़्यादा डालोगे उसी से भरती है, कम ऐप रखोगे तो कम भरेगी। अब इसमें हमारी 859 मतलब 1 GB करीब खाली है रैम और 1 GB करीब भरी हुई है सिस्टम में, 500 MB करीब और ऐप्स में 500 के करीब लगभग 1 GB भरी हुई है और 1 GB करीब खाली है। और हमारा लास्ट में स्टेप जो है चौथा स्टेप, इसमें आपको जैसे आप किसी एक ऐप पर काम कर रहे हो, जैसे आप अपना यूट्यूब चला रहे हो या कोई एक ऐप चला रहे हो, तो केवल उसी को ही ओपन करें। अब हमारे इसमें ये इतने ऐप खुले हुए हैं, ये सभी हमको क्लोज कर देने हैं। केवल जिस ऐप की ज़रूरत है
उसी को ही ओपन करें। अगर ज़्यादा ऐप ओपन करोगे तो मोबाइल ज़्यादा हैंग होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब चैनल सब्सक्राइब करें।